सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर की असीम कृपा से, उस तत्परम की रजा से आप जी यहां पहुंच पाए हो। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें ये ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था। जब तक हम महापुरुषों के विचार नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम अपने उसी कर्म को, उन्हीं क्रियाओं को जो हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, उन्हीं को हम सत्य मानते थे। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश करना, उनके विवाह आदि कर देना, फिर उनके संतान की कामना करना, फिर बेशक मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक तो हमारे ना चाहने से भी हो रहा था, क्योंकि जो हमने कर्म करना चाहिए था उसका ज्ञान ना होने से हम जो भी प्रारब्ध से प्राप्त कर रहे थे उसको हम ये सोच रहे थे हम कर रहे हैं, हमारे ही करने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये हमारी भूल थी, अध्यात्म तत्व ज्ञान का अभाव था। जो हमने करना चाहिए था वो हमने शुरू भी नहीं किया होता है जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। कोई तो कहा करता था कि मैंने ऐसे 5 प्लाट ले लिए, 2 कोठी बना दी, सब बच्चों का विवाह बड़े ठाठ से कर दिया, मैंने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और जिससे धन प्राप्ति हुई। कोई कहता था मैंने ऐसे कर दिया, तो ये सब भूल थी प्राणी की कि ये इस जीव को जब मानव शरीर प्राप्त होता है तो केवल प्रारब्ध ही प्राप्त होता है। जीव का ना चाहा होता है ना किया होता है, और फिर कुछ वृद्ध व्यक्ति बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, गोष्ठी किया करते थे, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछा करते थे, तो बताते थे कि मेरे जो है ना 2 लड़के थे, 2 लड़की, 2 लड़के 2 लड़की हुई, दोनों के परमात्मा ने संतान दे रखी है, पुत्र पुत्रियां सबको प्राप्त हैं, सबका विवाह कर दिया है, मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले। अब इतना ही ज्ञान था उन भोली आत्माओं को कि बस काम पूरा हो गया, संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह, फिर उनका भगवान ने संतान दे दी, बस अब हमारा काम पूरा हुआ। तो पुण्यात्माओं, जो हमारा काम था वो तो हमने शुरू भी नहीं किया,
और जो हमने किया वो होना ही था। जिसको हम ये सोचते हैं कि हमने किया वो तो आपको प्राप्त ही होना था। जैसे विवाह के पश्चात परिवार का भी और साथ में जिन बच्चों का विवाह हुआ है उनका एक ही मनोरथ होता है कि भगवान पुत्र दे, क्योंकि हमने अज्ञानता के कारण पुत्र और पुत्री में बहुत भेद मान रखा था। इसका कारण हमारा अध्यात्म ज्ञान ही था, लेकिन पुत्र और पुत्री में कभी भी हमारे मन में स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए कि कोई अंतर है। एक ही मिट्टी के खिलौने हैं, एक ही जैसे विचार हैं और हमारी ममता भी बच्चों में एक ही जैसी होनी चाहिए। विचार हमारे उच्च होने चाहिए, परमात्मा जो दे उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान न होने से हम 90% दुखी रहते हैं। Thank you.